वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक मैथ के अपने फर्स्ट चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, यानी इंट्रोडक्शन की क्लास होगी। ये इंट्रोडक्शन की जो क्लास है वो पूरी तरह से नाइन्थ और टेंथ दोनों के लिए होगा, क्योंकि हम जानते हैं टेंथ के भी और नाइन्थ दोनों में ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर। सबसे पहले इस पूरे चैप्टर के शुरुआत में अगर बात की जाए तो हम इसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे। ये क्लासिफिकेशन दो तरह से पहले डिवाइड होगा। बात करते हैं, पहले समझेंगे कि ये है क्या। तो पहला होता है वो रैशनल नंबर, और सेकंड इसका देखा जाए तो सेकंड होता है इरेशनल नंबर। थोड़ी सी राइटिंग देखते रहिएगा, समझते भी रहिएगा। रैशनल जो है, अब अगर हम इसे फर्दर कैटेगराइज करें तो ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। और सिंपली अगर ये डिवाइड होता है तो किस में होता है, तो पहला होता है फ्रैक्शन और दूसरा इंटीजर। पहला होता है फ्रैक्शन, गौर करिएगा, फ्रैक्शन, और दूसरा होता है इंटीजर। अब अगर बात की जाए इंटीजर, तो फ्रैक्शन इसके बाद नहीं क्लासिफाइड होता है। अब अगला क्लासिफिकेशन जब होगा तो इस हम इंटीजर को हम आगे बढ़ाएंगे, और ये इंटीजर दो तरह से सामने निकल कर आता है। एक होता है जिसे हम कहते हैं निगेटिव, निगेटिव, और दूसरा होता है होल नंबर। दूसरा होता है होल नंबर। गौर करिएगा, पहला निगेटिव होता है, तो यहां पे हम आगे ये भी लिखेंगे निगेटिव इंटीजर, ठीक, और दूसरा होल नंबर। जब हम इस क्लासिफिकेशन को फर्दर क्लासिफाई करते तो निगेटिव इंटीजर आगे नहीं कैटेगराइज होगा, होल नंबर आगे होगा। और यहां पे दो पार्ट्स फिर से निकल के आता है। पहला होता है जीरो, गौर करिएगा, जीरो, और दूसरा होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। इस पूरे क्लासिफिकेशन में जब हम पूरा पढ़ना शुरू करते हैं तो अगर हम बुक खोलें तो पहले हमको इसी की डेफिनेशन मिलती है, ठीक है। तो पहले हमको इसी की डेफिनेशन देखनी रहती है। फिलहाल आप एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अभी मिलते हैं। तो अब तक वाओ, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा। अब मेरी बातों को थोड़ा सुनेंगे ध्यान से। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछता है कि क्या सभी नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं। तो बिल्कुल वाओ, इस बात को हम ऐसे समझेंगे कि जैसे एक फैमिली का बैकग्राउंड होता है और ये फादर होते हैं, इनके ये सन्स होते हैं या डॉटर होती है, बिल्कुल ऐसे ही वाओ रैशनल के ही ये सभी पार्ट्स हैं। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं। अब हम यहाँ पे एक और चीज़ गौर करेंगे, अगर इस नेचुरल नंबर के साथ जीरो ऐड कर दिया जाए, अगर इस नेचुरल नंबर के साथ जीरो ऐड होता है तो वो बन जाता है होल नंबर। अब इस अगर होल नंबर में हम कुछ निगेटिव इंटीजर को ऐड करें, जैसे कि अभी हम बारी बारी से सभी डेफिनेशंस को देखेंगे तो उसमें बात बहुत अच्छी क्लियर हो जाएगी। होल नंबर में निगेटिव इंटीजर अगर ऐड होगा तो वो टोटल क्लासिफाइड हो जाएगा इंटीजर में। आगे अगर देखिए, इंटीजर के साथ फ्रैक्शन को आपने ऐड किया तो वो बनेगा रैशनल नंबर। बात आएगी इरेशनल, तो इरेशनल की पहले ही बात हुई थी कि ये फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। अब बात आती है चैप्टर का नाम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चैप्टर का नाम था रियल नंबर, और रियल नंबर में ही ये सभी पार्ट्स आ रहे हैं। यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जितने सभी ये नंबर हैं ये सभी रियल नंबर्स हैं। बिल्कुल ये बात बिल्कुल क्लियर है कि रियल नंबर के अंदर ये सभी नंबर्स आते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि अगर इसके बाद हम शुरुआत कहाँ से करें, तो शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करेंगे, यानी हम पीछे से चलेंगे, और अब आएगी बात नेचुरल नंबर। तो चलिए इसके बाद अब हम लोग नेचुरल नंबर को देखना शुरू करते हैं। तो चलिए नेचुरल नंबर को देखना शुरू करते हैं। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन जो मेरे अकॉर्डिंग होगी वो आप देखना शुरू करेंगे। सेट्स ऑफ ऑल ऑल नॉन फ्रैक्शन नंबर, सेट्स ऑफ ऑल नॉन फ्रैक्शन नंबर फ्रॉम वन टू एन,
एन मीन्स कुछ भी, बहुत आगे तक यानी इनफाइनाइट तक। आप ऐसे सोचिए, 1, 2, 3 डैश 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 कुछ भी, ये सभी कहां पे जाएंगे? नेचुरल नंबर के अंदर। ठीक है, तो अब बात करेंगे फ्रॉम 1 to n। अब दूसरी बात को ध्यान से समझेंगे, यहां तो ये पहले पॉइंट को हम बता दे रहे हैं। अब सेकेंड पॉइंट देखिएगा, अगर इसको बात की जाए डिनोट किससे करते हैं, तो नेचुरल नंबर को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल एन का हेल्प लेते हैं, यानी कैपिटल एन की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है नेचुरल नंबर को। इसकी स्क्रीनशॉट अगर चाहें तो ले सकते हैं आप। तो आप लोगों ने नेचुरल नंबर अब तक देख लिया, अब इसके बाद होल नंबर की क्लास को देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं होल नंबर। अगर होल नंबर की बात की जाए तो इसके पहले ही हम डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन को क्लियर करिएगा। यहाँ पे हम एक छोटी सी डेफिनेशन लिख रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग द सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग, गौर करिएगा इस वर्ड पे, इंक्लूडिंग जीरो। अगर जीरो को भी नेचुरल नंबर में ऐड कर दिया जाए, यानी द सेट्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, उसको कुछ और ना कह के क्या कहेंगे भाई? बहुत सिंपल क्या कहने वाले? होल नंबर। बहुत आसान है, ध्यान से समझिए, फिर से एक बार क्लियर करिए। नेचुरल नंबर आपने पढ़ा अभी थोड़े देर पहले, 1, 2, 3 ऐसे आपने लिखा भी था, हमने दिखाया था आपको, गौर करिए ऐसे था। और अगर हम इसमें जीरो को भी ऐड कर दें तो ये अब आपकी जो पूरे सेट्स बनेगी, यही कुछ और नहीं बल्कि क्या निकल के आएगा? होल नंबर। जैसा कि अगर हम नेचुरल नंबर को देखें तो एग्जांपल के बाद ही उसके डिनोशन की बात हुई थी, तो यहाँ पे उसके रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होगा, या फिर आप ऐसे कहिए, इसको और कोई अल्फाबेट नहीं बल्कि W से ही इसको हम डिनोट करेंगे, यानी इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका होगा कैपिटल W। इसके बाद हम बात करेंगे इंटीजर्स की। ठीक है, आपने बार बार आपने देखा होगा शुरुआत में ही जो हमने फ्लो चार्ट पढ़ा था उसमें एक चीज़ देखा था आपने, नेचुरल नंबर के साथ जीरो को ऐड किया तो होल नंबर मिला, होल नंबर के साथ इंटीजर को अब ऐड करने की बात आएगी। चलिए हम इंटीजर के डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। इंटीजर की डेफिनेशन बहुत आसान है, ऑल नेचुरल नंबर, पहले तो हम यही लिखेंगे, ऑल नेचुरल नंबर कॉमा, इसके बाद देखिएगा निगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड जीरो टुगेदर फॉर्म टू सेट आई, मतलब आई मतलब इंटीजर है, यानी इंटीजर का डिनोट करने का तरीका भी यहाँ क्लियर हो रहा है। यहाँ पे इंटीजर को हम आई से ही डिनोट करते हैं, तो अब यहाँ पे बहुत सही क्लियर हो रही है बात। देखिएगा, आपने अभी पढ़ा था 0, 1, 2, 3 जो किसी और नहीं बल्कि होल नंबर की क्लास थी, इसके साथ आप खाली बस निगेटिव वैल्यूज को लेते जाइए। आपने पढ़ा ना, ये निगेटिव वैल्यू ये जो थी ये पूरे नेचुरल नंबर्स थी, ये जीरो था, इस पूरे नेचुरल नंबर का ही क्या करेंगे? निगेटिव। यहाँ पे गौर करिए, निगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स तो यहाँ पे -1, -2, -3 डैश ये सभी जो होंगे ये आपके इंटीजर्स में आ जाएंगे। इसके बाद इंटीजर देखने के बाद अब अगली क्लास अगर हम लोग देखें तो शुरू होता है, इसके बाद फ्रैक्शन का क्लास होगा, तो चलिए अब हम फ्रैक्शन को देखना शुरू करते हैं। हमने हर बार एक ही तरह से पढ़ने की आदत डाल रखी है, क्या कि पहले हम जब भी टॉपिक की शुरुआत करेंगे डेफिनेशन जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, न्यूमेरिकल क्वांटिटी, गौर करिएगा एक बार फिर से देखिए, न्यूमेरिकल क्वांटिटी दैट इज नॉट अ होल नंबर, That is not a whole number called as fraction. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है भाई, बहुत सिंपल। बस आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ पे कोई भी होल नंबर ना हो, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वांटिटी हो लेकिन वो होल नंबर ना हो, तो उसी को आप क्या बोलोगे? फ्रैक्शन बोलोगे। जैसे अगर आपसे कहा जाए, ये देखिए 1/2, 3/4, ये क्या है? एक फ्रैक्शन है। ऐसा क्यों?
क्योंकि अगर आप ओवरऑल वैल्यू देखते हैं 1/2 का, तो ये क्या निकल के आता है 0.5, और ये एक होल नंबर नहीं है। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल एग्जांपल के तौर पे इसे आप लिख सकते हैं अगर चाहें तो। तो 1/2 है, 3/4 है, एक्सेट्रा, आप और भी सोच सकते हो, जैसे 2/5 है, इसकी वैल्यू 0.4 है, इस तरह से आप बहुत सारे देख सकते हो। तो ये है आपकी फ्रैक्शन की क्लास। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला हम शुरू करते हैं। चलिए इसके बाद फ्रैक्शन के ठीक बाद अब नया टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग, देखेंगे क्या है। तो इसके बाद आता है बात रैशनल नंबर। अब आप गौर करिए, अपने फ्लो चार्ट को देखते भी रहिएगा, पहले से नोट करने का फायदा भी आपको मिलेगा। तो आपने देखा होगा रियल नंबर की दो क्लास थी, एक रैशनल था एक इरेशनल था। अब बात आ गई है पूरा मिलाकर कुल की, अब हम रैशनल को देखेंगे। शुरुआत हम लोग की नेचुरल नंबर से हुई थी, लेकिन अब हम बात करेंगे केवल और केवल रैशनल नंबर की। तो यहाँ पे हर बार की तरह एक बार फिर से डेफिनेशन होगा। देखिएगा, हम डेफिनेशन ही लिख रहे हैं सीधे, नंबर विच कैन बी रिटन एज रेशियो ऑफ टू इंटीजर। गौर करिए इस बात पे, बहुत सिंपल सी बात है कि रैशनल नंबर कुछ नया नहीं है। वो क्या है, बस आप इतना ध्यान दीजिए, पीछे से शुरू करेंगे बात को, दो इंटीजर्स के रेशियो को ही आप क्या कहोगे, रैशनल नंबर। लेकिन यहां पे आपको ध्यान देना है, हर बार रैशनल नंबर दो इंटीजर का रेशियो नहीं होता है। ऐसा क्यों, अभी इस बात को और बढ़िया क्लियर कर लेंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल अभी देखिए आप, जैसे एक नंबर है 2 और नीचे लिखा है 5, तो ये है 2 इंटीजर का रेशियो, इसे आप क्या कह सकते हो, रैशनल नंबर। लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि रैशनल नंबर जो है वो किसी भी चीज का, मतलब यानी दो इंटीजर का रेशियो होगा ही होगा। अब तक इस एग्जांपल में आप समझ गए होंगे कि रैशनल नंबर क्या है, टू इंटीजर का रेशियो है। अब इसके सेकंड बात को हम क्लियर करेंगे। सेकंड बात बहुत सिंपल है, इसकी वही जैसे पहले भी आपने देखा था डिनोट करने का सिंबल। तो चलिए इसको देख ही लिया जाए, डिनोटेड बाई, इसे डिनोट करने के लिए जो हम सिंबल लेते हैं वो है क्यू। तो इसे डिनोट किया जाता है क्यू की मदद से। अब बात करेंगे थोड़े से और केसेस के, जिसकी बात अभी हो रही थी। तो यहाँ पे बाबू देखिए, अब क्वेश्चंस पे ही हम आते हैं, अच्छा भी रहेगा। एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि, जैसे एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, क्या 0 एक रैशनल नंबर है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप क्या लॉजिक लगाओगे, सुनो। देखो, पूछा है कि क्या 0, फिर से लिख देते हैं, पूरे वर्ड्स में लिख देते हैं, इज जीरो रैशनल नंबर। आप बताओ सोच के, इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन है क्या 0 एक रैशनल नंबर है। आप थोड़े देर सोचिए और बताइए कि क्या 0 रैशनल नंबर है। तो जवाब आपका आ जाना चाहिए, अब तक आ भी गया होगा, 0 एक रैशनल नंबर होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जो फ्लो चार्ट था ना, फ्लो चार्ट में रैशनल की कैटेगरी में 0 था, यानी 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। यानी आप ऐसे सोचिए, 0 है, 0/1 लिखा जा सकता है बिल्कुल, और देखिए ये दो इंटीजर की रेशियो है। आप ऐसे ही और सोचिए, 0/2 डैश 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 कुछ भी सोचिए, 0/2 0/3 बहुत सारे बनेंगे। यानी यहाँ पे ये सभी हम कह सकते हैं कि 0 भी एक रैशनल नंबर होता है। चलिए इसके बाद अब केस की बात कर ही लेते हैं लगे हाथ, चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए अभी आपने 0 के एग्जाम्पल को देख लिया, अब हम बात करेंगे केसेस की। तो केस बहुत सिंपल है, आप केस मत कहिए, जब रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखी जाती तभी इस बात को कहना भी चाहिए। चलिए देखिए, अगर पी और क्यू दो इंटीजर हैं, तो पी बाई क्यू जो होगा वो एक रैशनल नंबर होगा। लेकिन इसके लिए एक केस है कि क्यू की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत बारीकी से समझिएगा बात को, कि क्यू की वैल्यू 0 ना होकर कुछ भी होगी, कुछ भी, यानी कुछ भी मतलब कोई भी इंटीजर, ठीक है, कुछ भी हो, हम कह सकते हैं कि p/q का जो रेशियो है वो कुछ और नहीं बल्कि क्या है, रैशनल नंबर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ऐसा क्यों,
अगर गौर करेंगे आप, देखिए ध्यान दीजिए कि अगर आपने कहीं लिखा है 2/0, तो 2/0 में 0 से डिवाइड करने पे ये नॉट डिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट आ जाता है, और जब ये इनफाइनाइट आ जाता है तो ये क्या इंटीजर में आ रही है वैल्यू? नहीं आ रही। अब यहाँ पे गौर करिए, ये इनफाइनाइट जो है वही क्लियर कर दे रहा है कि ये रैशनल नंबर नहीं है। इसलिए हम आप ध्यान रखेंगे कि p बाई क्यू में ये कंडीशन है कि q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी q इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए इसके बाद बात करेंगे इरेशनल नंबर की। तो अब इरेशनल नंबर में ध्यान दीजिए, पहला देखिए दो बातों से ही इसको भी हम बताना चाहेंगे। पहले तो ये समझिए कि इरेशनल का मीनिंग क्या है। देखिए इरेशनल बहुत सिंपल है समझना, इरेशनल का अगर आप ब्रेक करें तो क्लियर हो जाता है नॉट रेशनल, यानी जो रेशनल नंबर नहीं है वही आपका क्या है? इरेशनल है। बहुत सिंपल सी बात है, फिर से फोकस करिए इस चीज पे, बार बार फोकस करेंगे और अच्छा होते जाएगा। इरेशनल क्या है? जो नंबर रेशनल नहीं है उसे आप क्या बोलोगे? इरेशनल बोलोगे, ठीक है। अब आप बात करते हैं कि सेकेंड, जैसे सेकेंड पॉइंट क्या होगा, तो देखिएगा कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड। गौर करिए ये वर्ड आपको ध्यान दीजिए, इसके पहले भी ये आया था, ये वर्ड आपने रेशनल में इसको देख रखा था। यहां फिर से देखिए, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द रेशियो। जैसे कि आपने देखा होगा रेशनल में आपने इसी की बात कही थी कि रेशियो होती है दो इंटीजर्स की होती है। यहां पे देखिए, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द रेशियो ऑफ टू इंटीजर। यानी आप इसको कभी भी दो इंटीजर के रेशियो में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे एक और चीज देखिएगा जिसकी जरूरत आपको बाद में पढ़ने वाली है, विथ नो कॉमन फैक्टर। इसी को आगे चल के को प्राइम के नाम से भी जानने वाले हैं हम लोग, ठीक है। दो इंटीजर का रेशियो होगा, रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे आप, और वो भी नो कॉमन फैक्टर। अब यहां पे इस चीज को समझिए, बात को बार बार ध्यान दीजिए, कॉमन फैक्टर। चलिए अभी एग्जांपल आएगा तो आप समझ ही जाएंगे, फिलहाल अभी इसका एक छोटा सा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए इस चीज को हम क्लियर करते हैं एग्जांपल के थ्रू भी थोड़ा सा, और देखिए जैसे आपसे बोला जाए कि अगर रूट टू की बात की जाए तो रूट टू क्या है? तो आप बिल्कुल सिंपल है, समझिएगा कि रूट टू एक क्या है? इरेशनल नंबर है। ऐसा क्यों? इसके पीछे वजह जानते हैं। देखिए रूट टू की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.414, ऐसे करके डैश 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 सो ऑन, आप जानते भी होंगे, पिछली क्लास में पढ़ रखे हैं। रूट टू हुआ, रूट थ्री हुआ, रूट फाइव हुआ, रूट थ्री की भी वैल्यू ऐसे ही देख लीजिए, ठीक है। तो रूट टू की वैल्यू आपको याद है, रूट थ्री की भी वैल्यू याद होगी, जैसे ये देखिए ये सो ऑन आगे तक होती है। इसमें एक बात को फोकस करिए, ये जो नंबर है अगर आप इसमें पॉइंट को हटाएंगे तो कभी भी रेशियो के फॉर्म में डिनोट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, समझिए इस बात को कि यहाँ पे ये जो नंबर है एक तरह से डेसिमल है, और आप क्या पढ़ के आ रहे हैं? इंटीजर की रेशियो है, और इंटीजर क्या है? इंटीजर तो एक होल नंबर की क्लास, और साथ में उसके क्या आ जाता है? निगेटिव वैल्यूज। तो अगर वो बात की जाए तो दो इंटीजर है, और इंटीजर के साथ आपने करना है कैलकुलेशन, और यहाँ पे पॉइंट है, सिंपल सी बात है, ये किसी चीज के अगर आप इसको पॉइंट हटा भी देते हो तो भी क्लियर नहीं हो रही बात, क्योंकि ये इंटीजर की रेशियो नहीं होगी, और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि रूट टू रेशनल नहीं है। तो जब रेशनल नहीं है भाई तो क्या है? ये इरेशनल है। ऐसे और भी सो ऑन देखेंगे, फिलहाल अभी हम इसका प्रूफ भी देखेंगे कि हम अच्छे से इसको कैसे करते हैं, देख लीजिए फिर बात करते हैं इसके बाद। स्क्रीनशॉट आप अगर चाहे तो ले लें। चलिए इसके हम एग्जांपल को देखना शुरू करते हैं अब, तो हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन है जो 9th और 10th दोनों क्लास में बहुत बार पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते भी हैं। गौर करिए ये बात पे बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार बोर्ड के एग्जाम में भी आ चुके हैं। वो क्वेश्चन कुछ और नहीं, कोई रूट की वैल्यूज होती हैं जिनको वो कहता है कि प्रूफ करिए कि वो नंबर रेशनल इरेशनल नंबर है। गौर करिए, जैसे एक क्वेश्चन हम आपको बता ही देते हैं इसी वक्त। देखिए रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर, फिर से देखिएगा, प्रूफ करने को आता है, प्रूव करिए कि रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है। गौर से समझिए इस बात को, रूट थ्री
एक इरेशनल नंबर है, इसको हम करने के लिए करते क्या है भाई? तो सबसे पहले समझना शुरू करते हैं, ठीक है? सभी डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। रूट थ्री को हम पहले अगर इरेशनल प्रूफ करना चाहते हैं, देखिए हम कोई भी चीज जब प्रूफ करते ना तो हम उसके अगेंस्ट जाके काम करते, यहाँ पे भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे। अगर हमको रूट थ्री को इरेशनल बनाना है तो मन में ये सपोज करना होगा कि रूट थ्री थोड़े समय के लिए रेशनल नंबर है। तो हम पहली लाइन हम यही लिखेंगे, लेट रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर। गौर से समझिए इस बात को, हम अगेंस्ट जाके काम करेंगे, इरेशनल बनाना है उसके खिलाफ हम सोचेंगे कि रूट थ्री कुछ नहीं है बल्कि क्या है, वो रेशनल नंबर है। तो अब आपको जरूरत पड़ गई होगी रेशनल नंबर वाली, तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन को एक बार फिर से देख लीजिएगा आप अपने, अगर लिखा हो तो। रेशनल नंबर में हमने एक कहानी के बारे में बात की भी थी कि रेशनल नंबर क्या है, P बाई क्यू एक रेशियो है, दो जो किसका होगा, दो इंटीजर्स का होगा। और ये इंटीजर्स में ये भी ध्यान देना है कि Q की वैल्यू बस जीरो नहीं होगी, ठीक है? बहुत बार फोकस करिए इस चीज को, बार बार समझिए, यानी किसी भी रेशनल नंबर को हम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने रूट थ्री को रेशनल नंबर लिया तो रूट थ्री को आप P बाई क्यू के फॉर्म में लिख देंगे। बिल्कुल, बहुत आसान सी चीज है, समझ गए होंगे, बहुत बार इसको फोकस करिए। देखिए रूट थ्री जो है वो P बाई क्यू के बराबर है। अब आपको बात आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक चीज और, वो हम लिख भी दे रहे हैं, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए रेशनल नंबर में एक वर्ड लिखा था विथ नो कॉमन फैक्टर, बड़ा बारीकी से समझिएगा भाई, विथ नो कॉमन फैक्टर, ये वर्ड हमने कहा था कि इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखिएगा P बाई क्यू जो है, यहाँ पे हमने लिखा है Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ क्या मतलब है, ठीक है? अब इसके बाद वो जो बात हो रही थी नो कॉमन फैक्टर की, तो यहाँ पे देखिएगा आगे हम लिख रहे हैं P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे बहुत बार फोकस करने की जरूरत है, देखिए नो कॉमन फैक्टर। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार वन तो सभी नंबर्स का फैक्टर है, तो क्या वन को भी इनको वन वन अगर फैक्टर है तो इसका भी तो फैक्टर है, तो क्यों हम इसको कह देना है कि P एंड Q हैव अ नो कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए कि एक्सेप्ट वन, हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि वन को छोड़कर बाकी कोई भी नंबर होगा वही कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब वन है तो उसको बात को इग्नोर मारिएगा, ठीक है? वन हम सभी जानते हैं कि सभी नंबरों के, जो अगर आप कोई भी नंबर दो लेते हो अगर आप उसके HCF की बात करते हो तो वन आपके सामने आ जाता है, अपने आप आ जाता है, वो आपने पढ़ा भी है पिछले क्लास में देखा होगा। इसके बाद की बात करेंगे बाहो, अब हम इसके बाद देखिए इसे बहुत ज़रूरत है पहला स्टेटमेंट देखने की, फिर इसके बाद का स्टेप बहुत बार फोकस करिएगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, दोनों साइड्स के स्क्वायर्स को करना है, ठीक है? तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है? अगर आपने इसको स्क्वायर किया तो रूट थ्री का स्क्वायर थ्री होगा और यहाँ पे पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर होगा। अब फोकस करिए, अगर आप यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू लेते हैं तो पी स्क्वायर जो होगा वो होगा थ्री क्यू स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ पे बहुत बार फोकस करिए, देखिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पे पी स्क्वायर जो है वो थ्री क्यू स्क्वायर है, यानी अगर आपसे हम एक चीज पूछना चाहते हैं, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि अगर कहीं लिखा है 27 तो क्या ये थ्री से डिवाइड होता है? तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं तो आप ऐसे थ्री से काट सकते हैं, ऐसे ही अगर मान लीजिए आपसे कहा गया थ्री एन है तो थ्री एन क्या थ्री से कटेगा? तो हाँ बिल्कुल थ्री से कैंसिल आउट होगा। तो यानी इसी तरह से ये भी है, मतलब आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझिए कि ये जो नंबर है यानी जो पी स्क्वायर की वैल्यू है थ्री की स्क्वायर, ये थ्री से डिविजिबल है, यानी यहाँ पे एकदम से क्लियर हो जाता है कि पी स्क्वायर जो है वो थ्री से कैंसिल आउट होगा। अब आपको इसके बाद फोकस करना है एक और चीज, ध्यान दीजिएगा कि P स्क्वायर की वैल्यू 3 की स्क्वायर, 3 से ये कैंसिल होगा, इसलिए देखिए कोई भी नंबर, अब थोड़ा सा हट के एक चीज़ को समझते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए तब आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 16, तो 16 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 into 8 लिख सकते हो,
बिल्कुल। अब यहाँ पे फोकस करो कि अगर ये 16 है, ये 2 इंटू 8 है, तो ये 2 से ये नंबर कैंसिल होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है तो ये 2 से कैंसिल होगा। आप ऐसे 2 लिखेंगे, काट देंगे, ठीक। अब इस चीज़ को समझिए, इस 16 को अगर हम लिखना चाहें तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जवाब आएगा बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे बार बार फोकस करिए कि अगर ये नंबर इस साइड का 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल है। यानी किसी नंबर का स्क्वायर जो होगा वो अगर डिविजिबल है किसी भी नंबर से, तो उसका स्क्वायर, जो नंबर का स्क्वायर होगा वो भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। यहाँ पे यानी यहाँ पे एक चीज क्लियर होती है कि अगर मान लीजिए कि पी स्क्वायर जो है, जो 3q² के बराबर है, वो 3 से कैंसिल होता है, तो यानी पी भी 3 से कटेगा। यानी यहाँ पे ये कहिएगा 3 से पी स्क्वायर डिविजिबल है, तो 3 से पी भी डिविजिबल होगा। ये चीज़ बार बार फोकस करिए, ध्यान दीजिए। अब हम यहाँ पे छोटा सा स्टेप अप्लाई करेंगे। इस पी की वैल्यू हम 3 के मल्टीपल्स के टर्म में लेंगे। 3 के मल्टीपल्स में आप ऐसा मत कहिएगा कि क्यों आप 3m ले रहे हैं, आपका मन है आप कुछ भी ले लो, जो आपको मन करे। लेट सपोज 3m, क्यों? क्योंकि देखिए पी स्क्वायर है, आपने ये कह दिया है कि 3 से डिविजिबल है, यानी 3 के मल्टीपल के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। यानी पी स्क्वायर जो होगा, अब अगर इस वैल्यू को आप यहाँ पे ले जाके रखते हो तो ध्यान दो, इसके बाद बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखो यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू डालोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9m स्क्वायर होगा, जवाब आएगा बिल्कुल सही। यहाँ से इसके बाद यहाँ देखिएगा, यहाँ पे वह फिर है 3q², और अब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 3m², यानी यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई कि 3m² होगा। अब यहाँ पे बार बार फोकस करिए, बस सब कुछ हो चुका है, केवल वर्ड्स को सुनिए और ध्यान से समझिए। आपने इस पूरे रेशनल में क्या कहा, रूट 3 एक रेशनल है, तो वो p/q का रेशियो होगा, p/q का रेशियो होगा, लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं होगी। p और q के जो कॉमन फैक्टर है वो 1 को छोड़कर कुछ भी नहीं होने वाले, कुछ भी नहीं होने वाले, ध्यान दीजिए, नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 नहीं होगा, बाकी कुछ भी, ध्यान दीजिए, कुछ भी समझ, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी बात, कई बार इस पर डिस्कशन हो गया। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, और आप यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ देखो, आपने यहाँ एक बार कहा कि पी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, जो यहाँ पे हमने बता रखा था आपको, और यहाँ दूसरे टर्म्स में क्या आता है कि q की वैल्यू भी 3 के मल्टीपल्स के फॉर्म में आती है। इसका मतलब ये है कि q भी 3 से डिविजिबल है। अब ये क्या हो गया, p भी और q भी, यानी जो आपने रेशियो ले रखी थी p/q, वो दोनों 3 से डिविजिबल है, एक्सेप्ट 1 हुआ। और अगर एक्सेप्ट 1 हुआ तो यहाँ पे ये रेशनल नहीं रहेगा, बल्कि अब क्या साबित हो जाएगा कि ये इरेशनल है। इस तरह से ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आप लगा सकते हो। थोड़ा सा फिर से फोकस करिएगा, वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, एक बार फिर से देखिएगा, समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है।